ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 18 ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਅਭੀ ਕੱਚੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਠੀਕ ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਜਲਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਲਹਾਓ ਲਹਾਓ ਬੱਚੇ ਲਹਾਓ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜੀ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਲਿਖੋ जी जी सर लगाओ 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 जी ये शमशेर है जी मैं वजीर हूँ ओहो बाबा तो पहले तो सो तुसी की कर रहे हो जनाब ठीक बैठे हो ना इधर आ जाओ मेरी कुर्सी पे आ जाओ सर मैं इधर ही ठीक हूँ लिखो जी लिखो जल्दी ओ बेटे सर जी मुजफ्फर बेटे ओ पुत्र मिल्क शेक लेके आओ भाई मिल्क शेक सर मिल्क शेक हम खून देकर आए हैं बल्कि निकाला गया है सर मैं माफी चाहता हूँ मैं माफी चाहता हूँ अगर हमसे कोई खता हो गई है तो माफ कर दीजिए बेटे खताइयां भी नाल ले आओ फिक्र ना करो बेटे जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो लिखाओ ना कुछ लिखाऊंगा तो लिखाऊंगा सर जी मैं कोई अफसाना लिख दूंगा ओ जनाब बता तो दिया अब लिख लो जो लिखना है आपने एक मिनट जनाब क्यों आप ताबेदार हैं हुक्म हुक्म कोई ऐसी बात नहीं सबर और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए वैसे भी आपको मालूम है कि साबर आदमी की हमेशा इज्जत होती है ओ जी साबर के बेटे ही ने तो मारा है अस्सलाम वालेकुम वाल साहब मुझे यकीन था कि ये लोग मुझसे पहले थाने में मौजूद होंगे इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अब भाई साहब कोतवाल आपके सामने बैठा है किसकी जुर्रत है जो कोतवाल को डांटे जी इनके बच्चे ने सबसे पहले मेरे भाई को आगे मारा है फिर वो इसका बड़ा भाई आके उस मासूम को आगे मारना शुरू कर दिया है उसके बाद इन्होंने हमारे घर पे ईंटें बरसाई हैं जी झूठ मत बोलो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को बुरा भला कहा है क्यों कहा बुरा भला सर ये झूठ बोल रहा है नहीं यकीन तो आप आए पूरे मोहल्ले से पूछ ले आके आए जी आए चलकर देखते हैं चलकर देखते एक शराब तशरीफ रखे देखे बात ये है बेटे आराम से इज्जत करते हैं एक दूसरे की इज्जत करते हैं बेटा ये ऐसे ना करो बिहेव अपना ठीक करो वरना आपको पता नहीं है अतीक का पता नहीं है आपको आपको बेटा अतीक का पता नहीं है एदे चमड़े का ही लित्र बनवाया है मैं और सर जी सारा मोहल्ला हमारी बात को सच मानता है इनकी तो मोहल्लेदारों से बनती ही नहीं है जी जी मैं समझ गया मैं सारी बात समझ रही हूँ सर आप फिक्र ना करें आप फिक्र ना करें ओए झूठ मत बोलो सर इनको कोई मोहल्ले में मुंह नहीं लगाता ए, कौन मुंह नहीं लगाता वकूफ इंसान एक मिनट मैं समझ गया हूँ बेटा ओए मेरी बात सुनो बंदे के पुत्रों वाले गुफ्तगू करो मल्ले में उनको कोई मुंह नहीं लगाता तो वो वोट कहां से लेते हैं वजीर वो ऐसे ही बन गए हुए हैं कौन वजीर ओ सर जी इसका नाम वजीर है ये तो डाकखाने के बाहर चिक्कर छोले लगाता है हां जी उठ के खलो उठ के खलो उठ के इधर 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 उधर 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 किधर जान रही है इधर ओए इधर मैं उधर उस तरह मंगा के ना इधर टेंड करा देनी इधर ही एडा तू शोखा ओ यार क्या कर रहे हैं आप ओ सर मेरे थाने च बराबरी दा सलूक होता है अगर एक पार्टी खलोती तो दूजी भी खलोएगी पहले क्यों बिठाया था ओ बिठाया ते तारफ गलत भी हो जाता है किसी ले असी जनाब ताडे ताबेदार है ताडी सिफारिश है आप सिर्फ वजीरों और मुशीरों ही की सुनते हैं कोई कमजोर बंदा आ जाए तो उसकी कोई दाद रसी नहीं है दोनों की ताडी सिफारिश है मैं इंशाल्लाह दोनों की इज्जत करूंगा मगर बराबरी का सलूक होएगा कोई बराबरी का सलूक नहीं है वजीर नाम सुना तो समझ बैठे कि एमपी है या एमएनए है तो आपने उसकी इज्जत की जब पता चला चिक्कर छोड़ने लगाता है तो उसको खड़ा करके सोटियां मारी आपने जी बस एवं गलती गोता खा गई मैनू की पता नाम मुराद ने मेरी भी उठक बैठक कराई अद्धा घंटा ओ बेटे मेरी गल सुनो मैं तेनू एक गल दस दी बेटा जे मेरे नाल किसी ने कोई गलत गल की ताडे दुआई चो मैं तुहानू दस छड्डा तुहानू मेरा पता नहीं मेरा नाम सदीक ऐसा जो सदीक ऐसा चो जाओ जाके पूरे लाहौर चो पुछो पुछो जाके लाहौर जाओ पहले पूछ के आओ यार दोवे निकलो इतो ओ जनाब मोहल्ले के सारे लोग बाहर खड़े हुए आप बुलवा के पूछ सकते हैं कि ये सच्चा है या मैं सच्चा हूँ अभी अभी पूछ लेते हैं अभी पूछ लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं बुला बेटे बुला दोनों जमील पास कर आजो अंदर ही आजो सर ये मिल्क शेक किसको देना है इधर रखो बेटे इधर रखो आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ बेटा ये बताओ आपके सामने ये लड़ाई हुई है हाँ जी बिल्कुल हुई है जी हमारे सामने हुई है और आप में से किस किस ने देखा है इस बच्चे को मारते हुए वो जो बच्चा पीछे खड़ा है सर मैं भी देखे है किसने मारा इसको इसने मारा सर इसने नहीं तो लड़ाई शुरू किस बात से हुई थी पहले मुझे ये बताइए लड़ाई शुरू किस बात से हुई सारे मोहल्ले च सारे बच्चे खेड़े सन
यह कहना साढ़े बूहे के अगे नहीं बहना, उन्हें कहा मैं बैठागा, उन्हें चपेड़ मारी, इन्हें सुकून मारता, बस उस बाद शुरू हो गया काम। अच्छा आपने आप आप जो भाई साहब ने ऐनक लाई और सारा मुंह अपना गायब किया है, तुसी दसो कि एक किन्ने मारे है पहले, किहड़े बच्चे ने पहले हट चुके है? जनाब उन्होंने पहले हट चुके है, दो तीन जने है थे, इकला नहीं गया सी, एरे नाल होर एक भारा जिहा बंदा हैगा सी। एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट, तुसी बुजुर्ग आदमी हो जी, तुसी अल्लाह नूं जान देनी है, सही दसो, सही दसो इन्हां दोवें चों गलती किहदी है? मैं तुहानूं बिलकुल सच दसांगा जनाब, यह बच्चा जिहड़ा बहुत बदतमीज है। अच्छा जी? हाँ जी, अरे मलेदार है को अके बयान जनाब, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं गल, इतने तू बड़ा साफ सुथरा बन के खलोते हैं, एक गल मैं तुम दस दी, मेरा नाम सदीक है सच होए, मैं बदतमीज आदमी अपने पूरे इलाके च बर्दाश्त नहीं करता। ओ सर जी इन्हां नाल गल हो जाएगी, मिल्क शेक गर्म हो जाएगा, पियो बाकी का भी पियो। ऐसा नाम मुराद है, देखो ना ऐसा मेरा इन्हें ब्लड प्रेशर चढ़ाया है, अद्धा गिलास में पी गया, मैंने पता ही नहीं लगा। जी आपको किसी बात का पता नहीं लगता, ये तो एक केस है ना, इस लाहौर शहर में रोजाना 400 वारदात है, मामूल की बात है सिद्दीक साहब, पता है आपको कुछ? मैं तो अनु ही गल दसा, मैं एक गल दसा तो अनु, गल कर लो तुसी, मैं इत्थे ना बाद फट जरा बाद गल कर लो पहले, मैं तो अनु ही गल दसा फरीद साहब जी, अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान में ये पंजाब पुलिस की तारीख में कभी इस तरह का वक्त नहीं आया जैसा अल्लाह के फजल से इस वक्त जा रहा है, ये लोग तो आज ये छोटा सा केस लेके आ गए ना, इस वक्त अल्लाह के फजल से लाहौर में बड़े बड़े केस हमने हल कर दिए हैं, जरूरत नहीं किसी की, किसी की जरूरत नहीं है, 400 जिहड़ा तुसी केस दसे है, मैं हैरान हाँ कि 400 केस दा नहीं मैनूं पता लग रहा कि किदा तुसी जिक्र कर रहे हो। एक और बात बताऊं? जी जनाब दसो, दसो तुसी, दसो। सुनिए अब, नाकिस तफ्तीश और नामुकम्मल चालान की वजह से इसी सुबह पंजाब में 75,000 मुकदमात खारिज हो गए, अब बताएं। फरीद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जहन में रखें, ये अल्लाह के फजल से ना कभी हमने नाकस तफ्तीश, देखो देखो जरा इस तो ज्यादा की कंसंट्रेशन होनी है मेरी साइना दे वाल के सारा ग्लास में पी गया और मेरे मुंह से आके कोई नहीं, इन्ना को रह गई नहीं, इन्ना को, इन्ना को सर जी, इन्ना के अफसर छोड़ देंदे ने जी, हां ले जा ले जा ले जा, चुप चुप के नू ले जा ले जा जी 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 ले जा, अल्लाह के फजल से आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये नाकस तफ्तीश ना होती है और ना खुद लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हमने गलती की है थाने से रابطہ करके, जैसे मैं इनको कह रहा हूँ कि छोटी सी आपकी गलती है, इसको अपने मोहल्ले में सॉल्व कर ले, दैट्स इट। आपने एफआईआर दर्ज की? सर इसकी क्या एफआईआर दर्ज करें, एक मोहल्ले की लड़ाई है, बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं, ये शराफा सारे बेचारे थाने में खड़े हैं, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, ये देखे ना जरा कितो आया भाई, ये किसी की जेब टूट गया? अरे भी मेरे मल्लेदार है जी, ये लड़ाई आपके सामने हुई है? हाँ जी सामने हो रही है जी, तो मेरी शुगर लो हो गई, नाले दिल कर पौन लाते, ओहो देखो ना शराफा लोग, शुगर लोग, अब बेटे मिल्क शेक एक और ग्लास लेके आओ जल्दी से, लाओ एक ग्लास, किरण एक मिल्क शेक का ग्लास और लेके आओ, और सुनो एक चम्मच चीनी डाल लेना, मीठा कम था अतीक, मैंने तुम्हें कब कहा मीठा कम है? वो सर जी सारी जिंदगी धड़ना रहे हैं, मैनू तुहाड़े मुंह तो पता लगता कि मीठा घट सी।